बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लगभग 300 साल पहले दुनिया का मानक समय हमारे भारत द्वारा निर्धारित किया जाता था। काल के प्रवाह में जब हम गुलाम हुए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से स्टैंडर्ड टाइम तय होने लगा। इसके बाद ग्रीनविच ने दुनिया को स्टैंडर्ड टाइम बताने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और भारत के योगदान को भुला दिया गया। क्या सच में भारत की कालगणना इतनी सटीक थी? भारत का वह कौन सा ऐतिहासिक शहर है जिसने ज्योतिष के क्षेत्र में इतनी उन्नति की थी? और प्राचीन भारत की केंद्रीय मध्यान रेखा कहाँ थी? ऐसे ही कई रोचक सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूँ मैं दीप्ति। आइए सबसे पहले समझते हैं ग्रीनविच क्या है। दरअसल ये समझने के लिए आपको ग्लोब की रेखाओं को देखना होगा, जिसमें पहली क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रेखाएं या लेटी हुई रेखाएं हैं, जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं, जबकि दूसरी लंबवत यानी वर्टिकल या खड़ी रेखाएं हैं, जिन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण तक खींची यही देशांतर रेखाएं घड़ी के समय से जुड़ी हैं। इन्हीं देशांतर रेखाओं में एक रेखा है ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो धरती के बीचों बीच से गुजरती हुई मानी गई है। दुनिया के सभी देशों ने इस रेखा को मानक रेखा माना है, जिसके पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर घटता है। इस तरह से जब इस रेखा से पूरब यानी भारत की ओर चलेंगे तो घड़ी का समय बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि भारत और इंग्लैंड के समय में 5.5 घंटे का अंतर रहता है, जबकि पश्चिम यानी अमेरिका की ओर बढ़ेंगे तो घड़ी के समय में कमी होगी। इस तरह से 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर हर 1 डिग्री पर जहां 4 मिनट की बढ़ोतरी होती है, वहीं 1 डिग्री देशांतर पश्चिम की ओर जाने पर समय में 4 मिनट की कमी होती जाती है। अभी पूरी दुनिया इसी को मानक समय मान रही है। यही आपको बताती चलूं कि भारत में मिर्जापुर के पास स्थित नैनी के समय को मानक समय माना जाता है। आइए अब लौटते हैं भारत के सुनहरे अतीत की ओर। भारत के राज्य मध्य प्रदेश का जिला और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नत रही है। सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांत जैसे महान ग्रंथ उज्जैन में ही लिखे गए। यह हिंदू भूगोलविदताओं के देशांतर का पहला मध्यान काल भी है। भारतीय खगोलविदों की माने तो कर्क रेखा को उज्जैन से गुजरना चाहिए। इसी के मद्देनजर लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन को भारत का ग्रीनविच माना जाता था। यहाँ कालगणना के लिए जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में वेदशाला का निर्माण कराया था। इसके अलावा राजा जयसिंह ने राजा मोहम्मद शाह की अनुमति से भारत में उज्जैन के अलावा जयपुर, दिल्ली, मथुरा और वाराणसी में वेदशालाओं का भी निर्माण कराया था। राजा जयसिंह ने इन वेदशालाओं में नाड़ी वलय यंत्र, सम्राट यंत्र, इज्ञाशा यंत्र और शंकु यंत्र समेत कई यंत्र भी स्थापित करवाए। इन्हीं खासियतों के चलते उज्जैन को अतीत में अंतरिक्ष और समय का चौराहा कहा जाता था। इस तरह से 4वीं शताब्दी के सूर्य सिद्धांत के मुताबिक उज्जैन भौगोलिक रूप से उस सटीक स्थान पर स्थित है जहां शून्य देशांतर यानी मध्यान रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटते हैं, जिसके चलते इसे पृथ्वी की नाभि माना जाता है और इसे भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। उज्जैन वेदशाला के बाहर एक बड़े ग्लोब पर उज्जैन का स्थान कर्क रेखा पर अंकित भी है। आपको बता दें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और कर्क रेखा वो अक्षांश है जो सबसे उत्तर स्थिति को चिन्हित करता है और सूर्य को सीधे ऊपर देखा जा सकता है। यही कर्क रेखा उज्जैन में महाकाल मंदिर के शिखर को और गुजरात में सोमनाथ मंदिर को पार करती है। आज भी भारतीय मनीषियों के लिए उज्जैन शहर कालगणना के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र है और यहाँ स्थित राजा जयसिंह द्वारा स्थापित वेदशाला आज भी खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह वेदशाला समय और ऊंचाई मापती है, ग्रहण निर्धारित करती है और ग्रहों की गति और कक्षाओं का अध्ययन करती है। साथ ही यहाँ के सभी यंत्र छाया डालने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।